जिले के ओबरा में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा के लिए वीआईपी रोड स्थित शिक्षा निकेतन मेन बाजार में माता रानी का दरबार सज चुका है। यह आयोजन दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह द्वारा किया गया। यही नहीं, चूड़ी गली, सिनेमा रोड, गर्ल्स इंटर कॉलेज, गीता मंदिर में भी माता का दरबार सजा हुआ है। षष्ठमी व सप्तमी तिथि के अवसर पर प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करवा कर माता रानी को प्रसाद के रूप में मिष्ठान, फल, नारियल व तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाया गया। इस मौके पर देवी माता के मंदिर मां के जयकारों से गूंजते रहे। मंत्रोच्चार करते हुए भक्तों ने मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। दुर्गा पूजा समिति मेन बाजार में पंडाल में प्रतिमाएं बैठाने के साथ भक्तों की भीड़ भी माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। देवी के मंदिरों में सुबह से रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दुर्गा पूजा समिति ओबरा के प्रवक्ता ने बताया कि माता रानी की प्रतिमा की स्थापना के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पंडालों को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नवमी को कन्या पूजन के साथ लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जय माता दी। मैं ओबरा शिक्षा निकेतन के प्रांगण से राजेश जिंदल। यहाँ पर विगत 30 वर्षों से लगभग जो है माता रानी का पंडाल सजाया जाता है, जिसमें सभी नगर के भक्तगण अपना दर्शन पूजन और प्रसाद ग्रहण करने के लिए भारी संख्या में उमड़ते हैं। आज यहाँ सप्तमी को कलश स्थापना होकर और दर्शन पूजन प्रारंभ किया गया है। कल अष्टमी में छोटे बच्चों का छोटा मोटा नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नवमी के दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा और दसवीं के दिन माता का विसर्जन यात्रा शोभा निकाली जाएगी। जो है यही एक छोटा सा है, कोविड को देखते हुए काफ़ी सीमित संसाधनों के साथ और सीमित रूप से पूजा का आयोजन किया गया है, जिससे कि सुरक्षा भी सबकी अति आवश्यक है। सोनभद्र से डेली इंसाइडर के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ।